पीपल पान मसाले की। कैसे करते हैं? अरे वही दो उंगली से उठा के करता। वो बैठी है ना सामने। बहुत ही ज्यादा गंदा वाला सीन था ये लिटरली। अपन वापस आ गए एक और नया व्लॉग लेके। हम आज सारे मिलके जा रहे हैं, हमारी चाइल्डहुड की फ्रेंड है एक, उसके घर जा रहे हैं एंड उसकी पूरी फैमिली, उसकी बुआ की फैमिली, हम सब मिलके दोबारा से कहीं और जाएंगे। तो एक सरप्राइज पार्टी प्लान करिए किसी स्पेशल बंदे के लिए जिसका आज बर्थडे है। तो मैं, सोनाली, पापा और पीछे द फेमस मॉडल ऑफ दिल्ली बैठे हैं, सागर अवस्थी। तो हमारा प्लान था कि भाई और भी हमारे फ्रेंड्स आए जितने भी चाइल्डहुड में हम साथ रहते थे, खेलते थे, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। मतलब एक दो ही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बंदा आ गया वही काफ़ी है मेरे लिए। तो अपन पहुँचते हैं, मनी आज लेट हो गया है, उसकी वजह से हम जाम में फंस गए हैं। बारिश ऑलरेडी हो रही थी, मैंने इसको बोला था 10 बजे तक आ जाइए, भाई साहब आ रहे हैं 11:30 बजे, 1.5 घंटा लेट। कभी भी मेरे कहने पे टाइम पे नहीं आएगा ये बंदा। कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया, जाम में फंसे हुए हैं, टाइम हो गया है 1:45। स्वीटी का फ़ोन आया था, कहाँ रह गए, जब 1 घंटा दिखा रहा था मैप में तब हमने बोल दिया 45 मिनट्स, अब 45 मिनट्स दिखा रहा है तो हम बोल देंगे 15 मिनट्स, सिंपल है ना। तो ठीक है, पहुंचते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो बॉस अभी भी 30 मिनट दिखा रहा है, 1 घंटे से हम अटके पड़े हैं। स्वीटी गुस्सा करेगी, मैं तो ले दूंगा मनी का नाम। आफ्टर ऑल मनी 12-15 साल बाद मिल रहा है तो सारा बिल मनी के ऊपर फटेगा। अभी वो अजय देवगन क्यों बुरा लगता है ये बताओ। नशा विरोधी देश वो चला, वो कानून चला, ऊपर से उसकी ऐड कर रहे हो तुम वही विमल पान मसाले की। कैसे करते हैं? अरे वही दो उंगली से उठा के करता विमल मसाले की। और बोलते क्या है, बोलते क्या है, झुबा केसरी, पता नहीं क्या, शाहरुख खान ने उसकी नकल की। अरे तुम देश का भला सोचते हो तो सर, ऐसी ऐसी कमाई क्या जो तुम ये गुटके की ऐड कर रहे हो। शाहरुख खान को विमल केसरी जब देगा 2 करोड़ रुपए तो वो अजय देवगन के साथ क्यों नहीं करेगा? तो फिर क्यों वो देश के असली हीरो है? असली हीरो वो है, सिर्फ पर्दे के अक्षय कुमार नहीं, सोनू सूद पर्दे के हीरो है। सोनू सूद हमारा पापा, सोनू सूद हां वो है हीरो, गरीबों की मदद तो करी उसने, अभी भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वाले टॉपिक्स छेड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है मैटर। तो ठीक है, अपन फाइनली 8 मिनट में पहुँचने वाले हैं। 4.8 किलोमीटर दिखा रहा है, 2:43 पे पहुँच जाएंगे, 2:35 हो रहे हैं। तो ठीक है, फ़ोन कर भाई उसको, विक्की को फ़ोन तो दे मेरा। अरे यार, सो बॉस प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम पहुंचने वाले थे बास्केट के घर पे, बट अभी मैंने उनको फ़ोन किया कि हम ऑलमोस्ट अर्जनगढ़ पहुंच गए हैं, तो काकू ने बोला नहीं भैया आप एक काम करो, अब जो है डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंचो जहां भी हमें पहुंचना था। बॉस अपन पहुंच तो गए हैं बट ये गेट कौन खोलेगा भाई? क्या नाम है उसका? फोन। अरे इनका वो शुभो। अच्छा शुभो। अच्छा वो मेरा स्वीटी, अंकित को कार्य करने स्वागत है एक सेकंड के लिए। हटो ना यार, हटो, कुछ कहा जा रही है? 15 मिनट है, पता नहीं आप उठा के भागे थे। सो बस फाइनली हम फार्म हाउस में पहुंच गए हैं। स्वीटी बहुत ज्यादा शाई कर रही है और ये
लिटरली भाई बचपन से अभी तक, बचपन से अभी तक इसकी हंसी चेंज नहीं हुई है। सारे के सारे काम करने में लगे हुए हैं, कोई गुब्बारा फुला रहा है, फ्री आदमी कुछ अलग खड़े हुए हैं शुभू शुभू करते हुए। बिल्कुल थोड़ी सी इतनी बहुत। तो ठीक है बस थोड़ा सा रेडी करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कौन सा धागा? जो इसमें ये बल्ले डला हुआ ना, ये है सुनाली, ये भी भी सीधा लगाना, ये चावल सुनाली भाई, शेष नाथ भाई, ओए कहाँ है तू? अरे भाई भाई प्लीज रहने दो यार, बस ये रहने दो। ये है मन्नी भाई। सो बॉस ठीक है, ये वाला रूम है, इसको अभी डेकोरेट कर रहे हैं, नीचे बलून्स वगैरह फुला रहे हैं, धीरे धीरे काम बहुत स्लो चल रहा है, सारे के सारे टाइम पास कर रहे हैं बाहर। यार टाइम पास क्यों कर रहे हो तुम सारे के सारे? ये टेस्ट कर रहा है पानी कि पानी ठंडा है या गरम। स्वीटी के पास आती मैं, स्वीटी के पास आती मैं। चलो यार टाइम पास, तुम लोग यार टाइम पास करने आए हो या डेकोरेशन करने? काकू का पेट फूला जा रहा है दिन भर दिन, और कोई बात क्या? मैं कुछ नहीं, घड़ी भी पहन लगे मैंने। हां तो यार तुम लोग क्यों? तो भाई बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम सारे के सारे, वैसे तो मिलते रहते हैं बट ये वाला जो ओकेजन है ये आफ्टर लॉन्ग टाइम हो रहा है। अरे पहले डेकोरेशन कर लो उसके बाद मस्ती करेंगे। हां उसके बाद करेंगे वो, देखो सबसे बड़ी टाइम पास। स्वीटी पोहा कैसे बना है? ऐसा लग रहा है जबरदस्ती खा रही है। नहीं मुझे भूख लग रही है, डिस्टर्ब मत करो मुझे। मनी मैं ना बहुत एक्टिव है, कुछ चारों तरफ रहता है मेरे कान, ठीक है? हाय डाल दो। और मैं मना नहीं कर रही, पूर्ण जान से फोन निकलवा देना बाहर बस। मतलब लड़की का इंटरेस्ट है? हाँ तो इनडायरेक्टली हमें साइन दे रही है कि मुझे पूल में फेंक दो। एक फुटेज लिखी थी मुझे। ये पहला बंदा। अबे ये टी शर्ट तो उतार। हाँ टी शर्ट मस्त लगेगा, अपना गोरा बदन दिखा दे सबको। सो बॉस मैं भूल गया था कि पानी के बाहर पानी में नहीं लाना है गोप्रो। मनी चला गया है पूल में और मुझे कह रहा है कि तू भी चल, बट वो बैठी है ना सामने। बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला सीन था ये, लिटरली मेरा प्लान था बास्केट पुश करने का। मैं भी आ गया ना तो इसका सारा काम रुक जाएगा। एक ही तो बंदा बचा काम करने के लिए। कैसे चल रहा है? तो ये हो गया हमारा हैप्पी बर्थडे सर। बास्केट का हम जो है ना नया ड्रेसिंग सेंस देखने वाले हैं। दिखाइए जरा, दिखाइए एक बार, दिखा दे लगा के तो दिखा। लगा भी कह रही है। तो बाल लोगे सर पे चढ़े गए वहां से बना। ले तू उधर से जा मेरे। फाइनली दोनों लड़कियां काम कर रही हैं एक साथ, स्पेशली मुतल्लु। अरे सेंटर में लगाओ उसको स्टुपिड, इधर इस साइड। सो फाइनली हमारा हैप्पी बर्थडे लग गया है, शैंपेन की बॉटल भी लग गई है, सोनाली झाड़ू मार दी है, स्वीटी गुब्बारे फुला रही है जो कि नहीं कर सकती, और ये तीनों के तीनों टाइम पास कर रहे हैं। सो बॉस ठीक है, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम अपन किक मारेंगे।
तो सुना लिया, और बास्केट ने बाहर का वो कर दिया है और ये भी अंदर से अच्छे से लगा दिया है बिकॉज बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। और ये लगी हुई है काम करने के लिए, बोलती है मुझे ब्लॉग नहीं लेता। क्या लेता ही नहीं है। लेता हूँ, देख अभी भी तेरा ब्लैकआउट आ रहा है, अब आएगा सही। तो बॉस फाइनली अपन ने लगा दिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। स्वीटी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। नहीं अभी कंप्लीट नहीं। यार इसको पूल में ही रहने दो ना प्लीज, छोटे वालों को। ऐसी आएगी सिम्मी, ऐसी आएगी। बॉस सारी की सारी मेहनत कर रहे हैं, स्वेटिंग आ रही है कॉन्टिन्यूसली। सारे के सारे पूल से बाहर आ गए हैं, काकू गया है काम करने विक्की के साथ और उनका एक फ्रेंड है साथ में नेबर, और स्वीटी मैं मनी एंड सोनाली साथ में कर रहे हैं काम। अंदर का जो भी डेकोरेशन है वो सारा संभाल रहे हैं। पापा को अलग बिठा रखा है, हमने बोला रेस्ट करो, मूवी देख रहे हैं पापा। सुमन दीदी, सिम्मी आंटी और ज्योति भैया एंड सुमन दीदी की बेटी, वो सारे साथ में आएंगे। और सिम्मी का बर्थडे है मैं बता देता हूँ, जो कि हम सारे के सारे फैमिली फ्रेंड्स हैं चाइल्डहुड से, और उसको सरप्राइज़ पार्टी प्लान करी है हमने। एक फार्म हाउस बुक किया है छतरपुर के पास, लाइक गुड़गांव के पास ही है, नियर बाय। तो अंदर चल रही है डेकोरेशन और फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसकी आंख कवर कर देंगी सुमन दीदी। तो ठीक है, डेकोरेशन पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मेरा बहुत दिल हो रहा है पूल में जाने का, बट मुझे पता है कि मैंने कैसे कंट्रोल कर रखा है अपने आप को, बिकॉज़ मैं सिर्फ पूल की वजह से फार्म हाउस में आया हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं आता। हाँ सोनाली बार बार बुला रही है कि भाई आजा आजा आजा, एक तो मुझे ब्लॉग में नहीं लेता, ऊपर से तो काम भी नहीं कर रहा है। तो ठीक है, और बास्केट सामने गुब्बारे फुलाने में लगी हुई है। चलो ये रूम बंद रखते हैं। अरे उसको ऐसे करेंगे ना, हाँ पूल साइड लाते ही नहीं, उसको तो रूम में बिठाते हैं एसी वाले में। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। तो ठीक है बॉस, हमने डेकोरेट कर लिया है, लास्ट में सिमी की फ्रेंड का गिफ्ट आया है वो भी लगा दिया है हमने, और अब हम जा रहे हैं चेंज करने, बिकॉज दीदी का फ़ोन सुमन दीदी का फ़ोन आ गया है कि वो आ रहे हैं, निकल चुके हैं वहाँ से। अप्रॉक्स 5 मिनट्स लगेंगे उनको आने में, तो उससे पहले फटाफट रेडी हो जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद एंट्री। आराम से करिए क्लोज, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बलून्स बाहर होने चाहिए। तो पापा उधर बैठे हैं, वो दोनों रेडी है जाने के लिए। चलो 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 चलो। व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप पीपल है बैक अगेन। तो ठीक है बॉस, अपन चारों जा रहे हैं चेंज करने, सिम्मी की एंट्री होने वाली है, बहुत धांसू वाली एंट्री करवाएंगे। कॉपीराइट आ जाएगा दिन शगड़ा, तो हम जाएंगे ना। बहुत सही सही लोकेशन है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी होगी यहाँ पे।